हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। आज मैं दिखाने वाला हूँ वाटर वेल, जो टैंक ओवरफ्लो हो जाता है, बार बार पानी गिरते रहता है, तो उसमें लगाने का आसान तरीका है। टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, खुद भी आप लगा सकते हैं। तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ आज। आज ये जैसे कि हमारा वाटर वेल है, तो वाटर वेल जहाँ पर मोटर का स्विच है उसके आसपास लगता है, और इसमें दो लीड है। एक तो होता है जो टैंक में जाता है, और ये जो मेन लीड है जो कि हमारा बिजली के सर्किट में जाएगा। जैसे ही आप ऑन मोटर करेंगे तो ये तार ऐसी जगह लगाना, जैसे ही मोटर ऑन करेंगे तो ये भी ऑन होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी ये दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा बोर्ड है, तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये समझिए कि ये हमारा वाटर टैंक का जो मोटर का जो स्विच है वो यहाँ है, तो इसको यूँ लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका ये लाइट जल जाएगी, ये लाइट जल गई ना आपकी इसमें, ठीक है। तो बाकी बच रही है जो ऊपर के दो तार हैं, ये वाटर टैंक तक जाएगी। वाटर टैंक तक जाएगी तो आपको तार अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं थोड़ा हो सकता है। हम तो यहाँ थोड़ा सा वैसे आपको दिखा रहे हैं दुकान में बैठ के बना के कि किस तरह से होता है ये। तो आपने क्या करना है, जो तार ऊपर टैंक से आएगी ऐसा आपने जोड़ना है दो तार को। इसमें करंट नहीं होती है, तो इसमें डरने वाली इतना कोई बात नहीं है। ऊपर वाला जो तार है उसमें करंट नहीं होती है, तो आपने इस तरह से जोड़ देना। इसमें करंट है, ये हमारा तार जुड़ गया, ये जाएगा आपका टैंक तक। तो ये जो दो तारे हैं ये जाके टैंक के अंदर इस तरह से टैंक में लगेगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा इतना ही गैप में रखना, ज़्यादा गैप में नहीं, क्योंकि ज़्यादा गैप में अगर रखेंगे तो ये हो सकता है काम ना करे, तो आपको इसका गैप जो है बहुत कम में रखना पड़ेगा। तो टैंक से आप एक आध फुट नीचे रखना, क्योंकि नहीं तो टैंक भर के फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो टैंक का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें आप 6 इंची से 1 फुट के बीच में गैप रखना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।